생각할 수 있을까? Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Upma Yadav. तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा इंडक्शन है ना वो कभी कभी काम कर रहा है कभी कभी नहीं काम कर रहा है, तो उसको ठीक कराने के लिए जाना है मुझे मार्केट. और सुबह में गई थी मैं ठीक कराने पर, वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है बट ठीक कोई नहीं करता. तो मैंने सोचा ठीक है तो अभी चलते हैं, देखते हैं. आई होप कि वो बन जाए ताकि मैं बना के खाना खा पाऊँ. सो लेट्स गो. सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद इंडक्शन का काम कराएंगे. मैंने सोचा कि जब हम इस साइड आए हैं तो कुछ बिग बाजार से सामान भी ले लेते हैं. सो गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं काफी सारा सामान लेके आई. मैंने जितना लिस्ट बनाया था उतना तो नहीं लाई, कुछ कुछ सामान मैं लेके आई और इंडक्शन नहीं बन पाया क्योंकि आज इलेक्शन है यहाँ पे, तो कुछ बहुत सारी शॉप बंद है. वो अब शायद मैं कल ही जाके चेक कराऊंगी इंडक्शन. वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी उपमा यादव. अभी 9 बज रहे हैं और अभी मैं ब्रश वगैरह करूँगी, फिर कुछ खाऊंगी, उसके बाद इंडक्शन बनवाने जाना है. कितनी अच्छी धूप निकली है. सो अभी ब्लैंकेट वगैरह से करते हैं उसके बाद ब्रश करेंगे. करने के बाद मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, बेबी क्रीम. मेरी सेंसिटिव स्किन है और आई थिंक ड्राई स्किन, पता नहीं ऑयली की ड्राई, मुझे समझ नहीं आता. तो मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि और कोई क्रीम मैं यूज़ करती हूँ तो वो फेस या फिर मेरा बहुत वाइट कर देता है, बहुत अजीब लगता है जो कि, या फिर वो इचिंग होती है मेरे फेस पर अगर कोई मैं क्रीम लगाती हूँ. तो ये बेस्ट है मेरे लिए. अभी कुछ बनाते हैं और खाते हैं, उसके बाद चलते हैं इंडक्शन बनवाते. कल मैं गई थी मार्केट, क्या क्या लाई हूँ मैं दिखाती हूँ कि करके. पहली चीज मैं लाई पास्ता चीज मैक्रोनी, ये तो आई थिंक सबको ही अच्छा लगता होगा. ये मैगी लिए से हेलो एक दूसरे को. हेलो सबसे क्यूट पीच को. एंड ये नगेट्स परसों की, उसके पहले मैंने सोचा था कि मैं कढ़ी बनाऊंगी तो मैं लाई थी दही, बट अब से इंडक्शन ये काम कर नहीं रहा सही से. और इसकी एम आर पी है 130 रुपीज. इंडक्शन मेरा टाइम बहुत वेस्ट कराता है. सो अब क्यों मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, ये देखो इसके साथ खाऊंगी. So guys, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने इंडक्शन भी पैक कर लिया है, तो आई होप सो कि ठीक हो जाए आज. तो अभी चलते हैं ठीक कराते हैं. और मैंने इंडक्शन शॉप पे दे दिया, उन्होंने बोला कि हम आपको 4 बजे कॉल करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है. उन्हें मैंने सब कुछ समझाया कि ये 1 बजे के बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं स्टार्ट हो पाता. तो उन्होंने बोला कि शायद वोल्टेज की प्रॉब्लम हो, उससे पहले लोग गीजर वीजर चलाते होंगे इसलिए आप इंडक्शन नहीं चल पाता. तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, रात में थोड़ी कोई गीज़र ऑन करके नहाता वहाता होगा. तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार आप बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ. जो पैन वगैरह है वो भी शायद ना फ्लैट नहीं है, वो ऊपर नीचे है, आई थिंक उस वजह से भी हो सकता है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है. मेरे तसल्ली के लिए मैंने दे दिया कि आप एक बार चेक कर लो, वो चेक करेंगे. अभी मैं अपनी अलमीरा सही करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है उसमें. सो अभी उसको सही करते हैं. Okay. 생각할 수 있을까?
सो गाइस मैं मोमो लेके आई थी अभी खाने के लिए। सो ये रहा, ये लौकी वाला मोमो है, मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे उस अंकल का ही बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ से मैं लेके आई, वो काफ़ी टेस्टी है मोमो बनाते हैं। अब मैं इसे खाती हूँ और कोई प्यारा सा खेल ड्रामा देखूँगी। अभी तो मैं होम टाउन चाचा जा देख रही हूँ, सो काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने 2-3 एपिसोड ही देखे हैं उसके, सो अभी 4th एपिसोड पे हूँ मैं, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा होम टाउन चाचा चा। सो अभी देखते हैं कैसा आता है। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ मोमो और देखती हूँ होम टाउन। सो गाइस अभी बज रहे हैं 5 और अभी जस्ट कॉल आया उनका कि डॉक्टर ठीक हो गया, आ रहे हो लेने। मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। सो चलिए चलते हैं, मैं इतनी देर से वेट करती हूँ। उन्होंने बोला था मैं 4 बजे कॉल करके आपको बता दूंगा कि ठीक हो गया या नहीं। मैंने सोचा अभी तो कॉल उन्होंने किया नहीं तो मैं ही रेडी होकर चली जाती हूँ, लेकिन अभी उन्होंने कॉल किया कि आप आके इंडक्शन ले जाओ। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं रूम पे आ गई हूँ और मैं इंडक्शन लेके आई। अब चेक करते हैं कि वो ठीक हो गया या नहीं। शॉप वाले अंकल ने बोला कि 2 रीज़न हो सकता है कि इंडक्शन नहीं चल रहा हो। पहला रीज़न कि ये बहुत दिनों से रखा पड़ा हो, यूज़ ना किया गया हो इसका, और दूसरा उन्होंने बोला कि इस पे कुछ गिर गया होगा, चाय या फिर पानी वगैरह। तो उन्होंने बोला जितना भी मॉइस्चर था मैंने सब साफ़ कर दिया है अच्छे से, तो आप 50 रुपीज़ दे दो। उन्होंने चार्ज 50 लिया। मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ठीक हो गया होगा या नहीं, लेकिन फिर भी चेक करते हैं एक बार कि ठीक हो गया। सो अभी चेक करते हैं और मैं अभी डिनर भी लेके आई अपने लिए, क्योंकि बाई चांस अगर इंडक्शन नहीं चला तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगी, फिर जाना पड़ेगा। तो फिर मैं डिनर भी लेके आई, सो वो भी दिखाती हूँ और एक बार चेक करते हैं कि इंडक्शन चल रहा है या नहीं। जिसकी ये जैकेट है उसको जैकेट पहना देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाती है वो। सो जैकेट उसे दे देते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। अभी तो इंडक्शन चल रहा है अच्छे से, बट अभी भी मुझे भरोसा नहीं है कि ये कल चलेगा या नहीं चलेगा। तो कल देखते हैं, अगर कल चल जाता है अच्छे से तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये ठीक हो गया, अच्छे से बन गया। सो अभी तो मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है। मोमो में क्या ही होता है, पर उस टाइम तो पेट भर जाता है, फिर उसके बाद में भूख में ऐसे चूहे कूदते हैं। तो अभी मैं खाती हूँ, तो रात में कुछ मन करेगा 9-10 बजे तो मैं वेजी नगेट्स खा लूँगी फ्राई करके, क्योंकि वो भी तो ख़राब ना हो जाए क्योंकि मेरे पास फ्रिज तो है नहीं। सो वो फ्राई करके खा लेंगी और चाय पी लेंगे। सो अभी के लिए तो खाना खाती हूँ। तो मैंने सही गेस करा, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी इसमें से टक टक की आवाज़ आ रही है जो कि सही नहीं है। तो मतलब आई थिंक ये इंडक्शन ही ख़राब हो चुका है पूरी तरह से, आई थिंक ये बन नहीं पाएगा जो भी मतलब है इसका। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं वेट करती हूँ कि कब गैस आएगा तो मैं एक सिलेंडर लूँगी, फिर मैं बना पाऊँगी अच्छे से। तो अभी तो खाती हूँ यार, कुछ खाना खाती हूँ कि भूख लग रही है, अब इंडक्शन का दिमाग से निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इसे मार पीट के मुझे चलाना है। अब मैं इसे नहीं बनवा रही, नहीं दिखा रही इसे डॉक्टर के पास। सो अभी मैं खाती हूँ। सो गाइस मैं टेस्टी खाना खाती हूँ, बहुत दिनों बाद ना प्रॉपर खाना मैं खा रही हूँ। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।